नमस्कार दोस्तों, जापान की राजधानी टोक्यो के प्रमुख हवाई अड्डे पर यात्रियों से भरे हुए विमान शनिवार सुबह गलती से टकरा गए। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। परिवहन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी इसामू यमाने ने बताया कि थाई एवरेज इंटरनेशनल का बैंकॉक थाईलैंड जा रहा विमान हनेडा हवाई अड्डे के रनवे पर खड़े इवा एवरेज के विमान से टकरा गया, जिस ताइवान के लिए उड़ान भरनी थी। यमाने के मुताबिक घटना के बाद रनवे को लगभग 2 घंटे तक बंद करना पड़ा। उन्होंने बताया कि रनवे बंद होने के कारण कुछ विमानों ने देरी से उड़ान भरी। यमाने के अनुसार घटना के पीछे की वजह का पता लगाया जा रहा है। टीवीएस टीवी न्यूज़ के एक ही रनवे पर रुके दोनों यात्री विमानों का वीडियो प्रसारित किया। वहीं एनएचए के टीवी पर प्रसारित वीडियो में एक अधिकारी विमान का पंख प्रतीत हो रही एक वस्तु को रनवे से